हेलो गाइस, 8 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 9 तो देख लो बेटा, 9 और 10 दोनों इस वीडियो में मिल जाएंगे, दो क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हो सकता है। ओके ना, तो देखो बेटा क्या किया है हमने, y is equal secant into tan inverse x, then dy by dx पूछा है और x की वैल्यू 1 डालने के बाद आपका आंसर क्या आता होगा। तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, y का डेरिवेटिव dy by dx और secant का डेरिवेटिव कितना आता, secant x into tan x, secant x into कितना बेटा, tan into tan x, कौन सा tan बेटा, इनवर्स है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगेन क्या करना पड़ेगा, d by dx of tan inverse x का डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो dy by dx equals to, आपको पता बेटा यहाँ पे secant into tan inverse as it is रहेगा और tan into tan inverse का कितना बेटा x आ जाती है, दोनों बंदे चले जाने के बाद। ओके, और tan inverse का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, ठीक है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना बेटा, x की वैल्यू 1 डाल देना, dy by dx equal to कितना बेटा, secant into tan inverse कितना 1, और इधर भी 1 पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट 1 upon 1 plus x square बोले तो 1 by 2 आ जाता, ठीक है। तो dy by dx equals to कितना है बेटा, देखो tan inverse 1 मतलब कितना, pi by 4, 45 degree, ठीक है ना, और 1 into 1 1 ही होने वाला, और plus into sorry 1 by 2 रहेगा, कितना रहेगा बेटा 1 by 2, then dy by dx equal to secant 45 की वैल्यू कितनी आती बेटा, root 2, और मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 2, तो रैशनलाइजेशन करूंगा root 2 के साथ, तो कितना बेटा root 2 upon 2 को रैशनलाइजेशन किया root 2 से, तो आंसर कितना आता बेटा, dy by dx equal to root 2 का 2 आता और 2 by 2 2 कटेगा, तो आंसर विल बी 1 by root 2, 1 upon root 2, which option बेटा, C option, ठीक है, ध्यान से करना बेटा, कुछ नहीं, मैंने उसको चेन रूल लगाया, उसके बाद टैन का डेरिवेटिव अलग से किया, चेन रूल एवरीवन नो, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरा वाला बड़ा कंफ्यूजन दिया, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, 1 अपॉन x प्लस x की पावर 5 इनटू dx, f(x) + c dx x की पावर 4 इनटू x + x की पावर 5 dx इक्वल्स टू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले अपन क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 और x प्लस कितना बेटा, x की पावर 5 इनटू क्या है, dx। तो चलो बेटा इसको क्या कर लेते हैं अपन, x की पावर 4 नीचे से कॉमन क्या निकलता, x कॉमन निकलता, बचेगा कितना 1 प्लस x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन एक काम करते बेटा, एक बार प्लस 1 कर लेते, एक बार माइनस 1 कर लेते, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस 1 किए तो कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस कितना बेटा, x की पावर 4, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेता, 1 x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन क्या लिख लेता, x इंटू 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है। अब देखो बेटा ये दोनों बंदे कट जाते, बचेगा कितना बेटा, आपको यहाँ पे देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x बचेगा, इधर क्या बचेगा बेटा, x के साथ मल्टीप्लाई x इंटू x की पावर 5 बचे, ठीक है। 1 बाय x का क्या आता, log x, और ये तो अपना कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है बेटा, 1 बाय x की पावर x बोले तो कितना आता बेटा, f ऑफ x प्लस c, क्या लिख लेते बेटा, f ऑफ x प्लस c, विच ऑप्शन बेटा दिस इज, देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, पहला वाला लगेगा या दूसरा लगेगा या तीसरा लगेगा, log x minus f of x plus c, which option, a option, ध्यान से कर लेना, which option, a option,